मॉर्निंग बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के मैथ क्लास में आई हूँ। कल हम लोगों ने मैथ का क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, 1 से लेके 10 तक। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ उन नंबरों को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा और पहचाना भी होगा। जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत है इसके लिए, मैं फिर से कल वाले क्लास पर कोई आज फिर से रिपीट करके समझाऊंगी। इसलिए आज आप लोग अच्छी तरह से उन नंबरों को पहचानेंगे भी और उसके बारे में जानेंगे भी। आइए हम लोग नंबर की पहचान करते हैं, नंबरों की पहचान करते हैं आज फिर से हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं किससे। नंबर सिस्टम सबसे पहला नंबर है 1। ये क्या है बच्चों? 1। ठीक है बच्चों, 1 के बाद क्या आता है फिर? 2। ये कौन सा नंबर है? 2। 2 के बाद क्या आता है बच्चों? 3। ये कौन सा नंबर है? 3। 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 4। कौन सा नंबर है ये? 4। 4 के बाद आता है 5। ठीक है बच्चों, ये कौन सा नंबर है? 5। 5 नंबर को अगर हम लोग गिनेंगे तो अपने एक हाथ की उंगलियों पर भी 5 नंबर को हम लोग गिन सकते हैं। एक एक उंगली अगर गिनेंगे तो सब मिला के 5 उंगलियां होंगी। इस तरह हम लोग 5 नंबर को गिन सकते हैं। 5 के बाद आता है 6। 6 ये कौन सा नंबर है बच्चों? 6। 6 के बाद आता है 7। 6 के बाद क्या आता है बच्चों? 7। 7 के बाद आता है 8। ये कौन सा नंबर है? 8। 8 के बाद आता है 9। ये कौन सा नंबर है? 9। 9 के बाद आता है बच्चों 10। 10 ये कौन सा नंबर है बच्चों? 10। ठीक है, 3 नंबर को हम लोग अपने दोनों हाथ की उंगलियों को जब मिलाएंगे तो एक एक उंगली पर अगर गिनेंगे तो वो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 10। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ठीक है बच्चों, इन नंबर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से जान भी लिया और पहचान भी लिया। इसलिए आज आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ जिसमें इन नंबरों को फिर से आप लोग 10 times पढ़ेंगे भी, पहचानेंगे भी और बोलेंगे भी, जिससे आप लोगों को आगे के नंबरों की पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।